पे आपका कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में। अभी हम मौजूद हैं जिला कुपवाड़ा के मेन टाउन में मौजूद हैं हम। यहाँ से आज सुबह से ही बर्फबारी का जो सिलसिला वो शुरू हुआ है। बालाई वाला के साथ यहाँ के पलियान से भी बर्फबारी का सिलसिला सुबह से ही जारी है। जैसा कि आपको पता होगा महकमे मुर्शिदाबाद ने कल सुबह ही ये पेशन भी की थी कि जो यहाँ के बालाई इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी हो सकती है और पलियान में हल्की सी लेकर दरमियानी जो है बारिशें भी होंगी। और इसी के चलते आज सुबह से ये बर्फबारी शुरू हुई है बालाई इलाके के साथ साथ पलियान्स में भी। और श्रीनगर की बात करें, पलियान्स की बात करें, तो वहां पे सुबह से ही बारिश चल रही थी। और महकमे मौसमियात से जब हमने बात की तो उनको ये कहना था कि ये जो ऐसा मौसम है ये कल सुबह तक ऐसा ही रहेगा। बालाई इलाके के जो है यहाँ कश्मीर के वहां पे बर्फबारी होती रहेगी और पलियान्स में बारिश होती रहेगी। उसके बाद जो है कुछ दिन के लिए मौसम जो है उसमें बेहतरी आएगी। और महाराज जी आपको जरूर बताते चले कि जो हाल ही में एक दिन पहले 40 दिन का चला कलान खत्म हो गया और जिसने सदियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए कि इस चला कलान में एक बार भी बर्फबारी नहीं हुई। इससे पहले रिकॉर्ड होते थे फीट में रिकॉर्ड होता था बर्फ, लेकिन इस विंटर में हमने देखा कि आज बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मौसम की पहले बर्फबारी हुई और जिसके नतीजे में कुपवाड़ा की खासकर बात करें कि यहाँ के जो बालाई इलाके हैं वहाँ के रास्ते बंद हुए, क्योंकि ऐसा बताया गया जा रहा है कि वहाँ पे तकरीबन 1 फुट सुनो जो है वो बर्फ हुई है और उसी को चलते वहाँ के रोड जो है वो बंद किए गए जब तक ना मौसम में बेहतरी आएगी। और अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें, नेशनल हाईवे श्रीनगर जुम वो अभी गाड़ियों का आमोदरफ्त वो अभी तो ठीक है। बाकी जो हाईवेज है जो कलाजा की ओर जाता है वो बंद है, मगर रोड जो है वो बंद है। और अभी यहाँ कश्मीर कुपवाड़ा में ऐसी सूरत आप देख रहे हैं कि लाइव विजन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बर्फबारी जो अभी हल्की सी हो रही है, इससे पहले यहाँ पे अच्छी खासी बर्फबारी होती, अभी थोड़ा उसमें कमी आई है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहे कश्मीर लाइव के साथ।